नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। भारत के जाने माने उद्योगपति और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा की आज 116वीं जयंती है। भारत में एविएशन, इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, ऊर्जा जैसे कई उद्योग का विकास करने वाले GRD टाटा ने 1925 में इंटर्न के तौर पर टाटा ग्रुप में एंट्री ली थी और 1938 में महज 34 साल की उम्र में अध्यक्ष का पद संभाला था। GRD टाटा ने ही भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर एयर इंडिया में तब्दील हुई और 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसका चेयरमैन GRD टाटा को बनाया गया था। 10 फरवरी 1929 को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाने वाले GRD टाटा को देश का पहला कमर्शियल पायलट और इंडियन एविएशन का जनक भी कहा जाता है। 29 जुलाई 1904 को फ्रांस में जन्मे जहांगीर टाटा ने भारत के प्रति देशभक्ति दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब बात 1962 में भारत चीन युद्ध की आई तो उस जमाने में भी उन्होंने 30 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रक्षा कोष में दिए थे और सेना के मोर्चे तक पहुंचने के लिए मिलिट्री ट्रक देने की पेशकश भी की थी। बिजनेस में रिस्क लेने और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मशहूर GRD टाटा ने ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाइटन जैसी कंपनी की शुरुआत की थी। 1938 में 14 उद्योग से शुरुआत करने वाले GRD टाटा ने 1988 में जब अध्यक्ष का पद छोड़ा तो टाटा ग्रुप के 98 उद्योग हो चुके थे। इसके अलावा एशिया के पहले कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे लाजवाब संस्थान बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। सन 1957 में उन्हें पद्म विभूषण, सन 1974 में एयर वॉइस मार्शल और सन 1952 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। उनकी जयंती के मौके पर आज रतन टाटा ने अपने मेंटर और रोल मॉडल जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा की कुछ तस्वीरें शेयर कर पुराने दिनों को याद किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।